OnePlus लवर्स के लिए एक बहुत अच्छा अपडेट है। अगर आपने भी OnePlus 12 सीरीज के मिड रेंज सेगमेंट वाले फ़ोन OnePlus 12R को खरीदा है तो आपके लिए बहुत अच्छा अपडेट ये है कि कंपनी इस फ़ोन का फुल रिफंड दे रही है। आपको बिलीव नहीं हो रहा होगा, आपको लग रहा होगा कि मैं मजाक कर रही हूँ, बट ये रियल है। अगर आपने भी एक अच्छा खासा अमाउंट स्पेंड करके OnePlus 12R खरीदा है तो आप कंपनी से क्लेम करके इस फ़ोन के पूरे पैसे वापस ले सकते हैं। अब कंपनी ऐसा क्यों करे वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले आपको जानना ज़रूरी है कि ये ऑफ़र सिर्फ मिड मार्च तक ही वैलिड है। तो ये काम आपने अभी तक नहीं करा है तो तुरंत जाके अपने फ़ोन का क्लेम लें और पूरा रिफंड ले सकते हैं। तो अगर आप भी OnePlus 12R का रिफंड लेना चाहते हैं तो उसमें सबसे बड़ा कैच ये है कि ये सिर्फ फ़ोन के 256 GB वाले वेरियंट के लिए ही वैलिड है। अगर आपने उससे कम स्टोरेज वेरियंट वाला फ़ोन खरीदा है तो आपको रिफंड नहीं मिलेगा। तो मैं आपको बता देती हूँ कि कंपनी को एक्चुअली में OnePlus 12R का फुल रिफंड क्यों देना पड़ रहा है। सो सबसे अच्छी बात यह कि ये अफोर्डेबल फोन है, मिड रेंज प्राइस सेगमेंट में आता है, तो यूजर्स 12 से ज्यादा 12R परचेज करते हैं। सो ये जो फोन लॉन्च हुआ था तो सबसे बड़ा कंफ्यूजन कंपनी की साइड से ये हुआ था कि OnePlus ने क्लेम किया था OnePlus 12R में आपको UFS 4.0 स्टोरेज का सपोर्ट दिया जाएगा, लेकिन जब ये फ़ोन मार्केट में लॉन्च हुआ, यूज़र्स ने इस्तेमाल किया तो देखा गया कि उसमें UFS 3.1 स्टोरेज दी गई है। तो ये बहुत बड़ा ग्लिच था और कंपनी की साइड से क्लेम किया गया था कि इसमें लेटेस्ट स्टोरेज का सपोर्ट मिलेगा, ऐसा नहीं हुआ, जिसकी वजह से कंपनी को अपनी इतनी बड़ी गलती का खामियाजा भुगतना पड़ा है। तो इसकी वजह से OnePlus यूज़र्स को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। तो OnePlus 12R का 256 GB वाला जो स्टोरेज वेरिएंट है वो जिन भी यूज़र्स ने ख़रीदा है उन्हें फुल रिफंड दिया जा रहा है। इसके लिए आपको कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट या फिर कस्टमर केयर के पास जाके इसका रिफंड क्लेम करना होगा। और साथ ही ये जो ऑफ़र है ये मिड मार्च तक वैलिड है। तो अगर आपने भी इस फ़ोन का ये वेरिएंट ख़रीदा है तो आप जाके इस फ़ोन का फुल रिफंड ले सकते हैं। अब सबसे अच्छी बात यह है कि इस फ़ोन में बहुत सारे ऐसे स्पेसिफिकेशंस हैं जो उसको एक बहुत अच्छा ऑप्शन बनाते हैं। तो OnePlus 12R जब लॉन्च किया गया था तो उसमें भी OnePlus 12 की तरह Qualcomm Snapdragon 8 का चिपसेट दिया गया था जो कि लेटेस्ट चिपसेट में से आता है। साथ ही इसमें एक मैसिव बैटरी मिलती है, फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है, तो फ़ोन एक बहुत अच्छा ऑप्शन है अगर आप 40,000 रुपये तक के प्राइस सेगमेंट में एक अच्छा फ़ोन ख़रीदना चाहते हैं। इसी के साथ OnePlus के प्रेसिडेंट CEO किंडर लियो ने भी क्लैरिफाई किया है कि जिन कस्टमर्स ने 256 GB वाला स्टोरेज वेरिएंट ख़रीदा है वो 16 मार्च तक एक रिफंड रिक्वेस्ट रेज कर सकते हैं। तो सबसे अच्छी बात यह है कि कंपनी का तो ग्लिच है लेकिन आपको फ़ायदा हो गया है। तो अगर आपने अभी तक क्लेम नहीं किया है इस फ़ोन के लिए, अगर आपने भी OnePlus 12R का 256 GB वाला वेरिएंट ख़रीदा है तो तुरंत जाके मिड मार्च से पहले अपने इस फ़ोन का क्लेम आप ले सकते हैं। और साथ ही अगर आपके फैमिली या फ्रेंड्स में से किसी ने ये फ़ोन ख़रीदा है तो उनको हेल्प करने के लिए, उनको अवेयर करने के लिए ये वीडियो उनके साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आपने भी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया है तो हमें कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन ज़रूर बताएं और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।